ये जो 12 साल से कम उम्र बच्चों का वो एक पड़ा हुआ है, कुछ बच्चे डिस्टर्ब भी हुए हैं, तो आप इस पे कोई पॉलिसी गाइडलाइन देंगे पीसीबी की तरफ से सर? जी बिल्कुल, हम खुद भी बड़े डिस्टर्ब हुए हैं कि हमारे क्रिकेट फैंस जो स्पेशली यंग क्रिकेट फैंस हैं उनको तकलीफ पहुंची बाहर। हमने बेसिकली जो पीएसएल की एचबीएल पीएसएल की टिकट्स थी उसकी सेल शुरू कर दी हुई थी जनवरी में, अर्ली जनवरी में, जब हमें गाइडेंस ये थी कि 100% स्पेक्टेटर्स को इजाज़त मिलेगी मैच देखने के लिए। टिकट सेल्स शुरू होने के बाद जब लोग टिकट्स परचेज कर चुके हुए थे, हमें डायरेक्शन आई और डिसीजन मिला एनसीओसी का कि खाली 25% स्पेक्टेटर्स अलाउ होंगे एंड सिर्फ 12 साल एंड अबव एज्ड फैंस जो हैं वो आ सकेंगे अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हो। हमने इसकी फिर प्रेस रिलीजेस भी निकाली, इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट की और टिकट होल्डर्स को एसएमएसएस भी भिजवाए ताकि उनको पता रहे कि ये इनकन्वीनियंस ना हो उनको। अनफॉर्चुनेटली फिर भी इनकन्वीनियंस हुई है एंड वी आर सैड कि उनको ये डिफिकल्टी पेश आई, और आसानी पैदा करने के लिए हम एक छोटी सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिफंड की, जो एड ऑन है टू द रिफंड पॉलिसी जो आपको हमारी वेबसाइट और बुकमी की वेबसाइट पर नजर आएगी। और वो ये है कि संडे की तारीख तक जो भी टिकट होल्डर्स हैं वो क्लेम करना चाहते हैं रिफंड बिकॉज उन्होंने अंडर 12 एज बच्चों के लिए टिकट्स ली थी, वो अपना क्लेम संडे तक जमा करा दें और अनयूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड टिकट्स के ऊपर हम उनको रिफंड कर देंगे। उसका प्रोसेस जो है वो bookme.pk की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, पीसीबी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। यू जस्ट मेक अ क्लिक एंड यू सी द पॉलिसी।